34 में 21 जो है ये लोकल है और 6 जो बाहर वाले है। उस 21 में 6 जो है 7 है पोलिटिकल पार्टी वाले हैं, बाकी जो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो 34 सिविलियन मारे गए ब्रिटेन के हाथों, हम लोग को बहुत दुख है, लेकिन सारे के सारे केस हम लोग सॉल्व करके सारे किलर को कुछ को अरेस्ट किए, कुछ को इंपोर्टेंट में न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। एक केस अनंतनाग का बच गया है जिसमें 2 सिविलियन मारे गए बीच वाला बेल्ट में, उसके पीछे पड़े आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको, उस टेररिस्ट को हम लोग एफआईआर में दर्ज भी कर लिए अपने केस में बाय नेम, प्रयास करेंगे उसको या अरेस्ट कर ले या इंपोर्टेंट में न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का जो हम पहले बता चुके हैं, देख लिया आपको कि मैक्सिमम जो टीआरएफ में हुआ इसको एलएटी का ऑफशूट है, और सोपियन डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम रिक्रूटमेंट हुआ है, लेकिन सोपियन डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम इनकाउंटर भी हुआ है वहां पर। 30 टेररिस्ट ऐसे है जो ज्वाइन करने के बाद विदिन मंथ मारा गया पूरा। नेक्स्ट इस साल हम लोग प्रयास किया कि मीडिया पुलिस ने बहुत सारा स्ट्रेटजी बना रखे, लेकिन कटिंग एज पर जोन पर जहां आप कैस्टिंग कर जाते हैं इनकाउंटर साइट पर जहां हमारे पुलिस वाले जवान रहते हैं, दोनों टेंशन रहता है। एक रहता है कि हम गोली की सीट नहीं लग जाए, कोई जख्मी नहीं हो जाए, एक को लगता है कि बहुत क्लोजली जाके अपना फोटो खींच ले, अपना अपने आप को प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन अपना नाम हो जाए मेरा, उस देरी में कहीं हाथापाई हो गया। लेकिन जो 11 जो केस रजिस्टर हो गया इसमें जो आप देखेंगे कि 3 केस हम लोग उसमें चार्जशीट चलान हो गया, 8 केस अभी जेरे 33 है, और उसमें एक जो केस है उसमें डायरेक्ट टेररिज्म में इन्वॉल्व था जो यहाँ पर हरी सिंह स्टेट पकड़ा गया ग्रेनेड था, बाकी 2 जो है यूपीए केस के तहत है, और बाकी जो जर्नलिस्ट भाई हमारे जो किसी को इंटीमेट करते हैं ब्लैकमेलिंग करते हैं ये केस है। हमारा चैलेंज क्या अगले साल या अभी भी चैलेंज जो है जो पिछले एक साल से फेस कर रहे हैं है टेररिस्ट। हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने क्वेश्चन उठाया गया क्या मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन थैंक्स गॉड आप गूगल में अपने इसको हम लोग जेएनके पुलिस ने इसको पॉइंट किया एक्सेप्ट कर लिया। देखिए जब कृष्णा ढाबा अटैक हुआ था तो हम लोग ब्लाइंड थे क्या है, जब उसको हम लोग सीसीटीवी फुटेज को जो एनालिसिस किए तो 2 लड़का ऐसा लाया जो 17 साल का था माइनर था, और उसके पेरेंट्स को दिखाए फोटो, पेरेंट्स भी रोने लगे पूरा। उसके बाद हम लोग को लगा कि ऐसे लोग जो टेरर इंसिडेंट करते हैं किसी को मारते हैं लेकिन थाना में रिकॉर्ड नहीं है, पेरेंट्स को नहीं पता है, पुलिस को नहीं पता है, किसी सिस्टर एजेंसी को नहीं पता है, ऐसे लोग को हम लोग हाइब्रिड टेररिस्ट का नाम दिए थे जनवरी इस साल। लेकिन उसके बाद बहुत सारे टेररिस्ट जो है मारे गए जो कि उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके पास मोबाइल लैपटॉप जो डिजिटल डिवाइस होता है उसको हम फॉरेंसिक लैब भेजते हैं, उससे जो इमेज निकलता है उससे पता चलता है, फिर उसके बेसिस पर किसी को अरेस्ट करते हैं, उसे इंट्रोगेशन करते हैं, उसे पता चलता है कि सही नहीं होता है। ये चैलेंज अभी भी है और आगे भी रहेगा चैलेंज।